जिन्हें हस्तियां इबादत की थी ते अल्लाह माबूद बन गया, जिन्हें हस्तियां अल्लाह ने अपनी मशीयत दिता है अपने रूप दे नाल फरमा के अपनी किरपा और अपने खालिक होण दा ऐलान फरमाया। जेड़े चुप करके तुहाडे वास्ते जुमला कि जिन्हें हस्तियां दी मुहब्बत च अल्लाह ने तुहाडी ते मेरी बंदे दे पुत्रां वाली शक्ल बन, जिन्हें हस्तियां नूं खुदावंद आलम ने ये कामिल बना के इस कायनात च भेज के इस बेहदायती मखलूक वास्ते हिदायत दे असबाब पैदा करते। अलामा साहब कुरान मजीद की आयत की रोशनी जुमला कि जिन्हें हस्तियां दे पहले जाकिर दा नाम अल्लाह है, कसीदे दा नाम कुरान है। खालिक मालिक इबादत शुमार फरमावे तो सब तमाम अबाब दी जिहड़े गेट तक मोमन खलोते उन्हें भी आखना शुमारी वाले के पढ़े, जिहड़े गेट नहीं छड़ सकते उन्हें इमाम हुसैन नूं मनना भी तकी है खैर ना अल्लाह जिंदगी करने चंगे बंदे चलो इमाम वर्गे दे मुंह तक कुछ हुआ करते रहा करो क्योंकि मैं बानी दी हैसियत नाल हाजिर हां, थोड़े भी होण ते होण सवादी बड़े चोखे आन बेशुमार आन इमाम हुसैन दे मुकाबले च, लेकिन रसूल दे पुत्र नाल 72 कतराए दिल में लिए एक समंदर थे हुसैन, जाते वाहिद में समेटे हुए लश्कर थे हुसैन, तीने आदाबे रफाकत के पैगंबर थे हुसैन, जान देने को जब आए तो 72 थे हुसैन, सर फरिश्तों के यहाँ आज भी कम होते हैं ऐसे इंसान रसूलों में भी कम होते हैं। वो 72 जमा करिए तो नौ बढ़ता है, बीबी पाक दादी आदम है नौ, उन्होंने मिजाज हुसैन ने ऐसा रंगिया अपने रंग ऐसे रंग जो रसूल दे पुत्र रंगिया उन्होंने मिजाज इस मंजिल से पहुंच गया। मैं मूसा जी भूखे हो तो अफलास के शिकवा नहीं करते, प्यासे हो तो जमजम की तमन्ना नहीं करते, खालिक से किसी शय का तकाजा नहीं करते और वो अपनी कनात का तमाशा नहीं करते। हे पर्दाए आलम पे यही नक्श वफा के कुदरत ने कलम तोड़ दिया उनको बना के नाराए है इंज नहीं जिवें मैं क्या पर्दा आई पता लगी कि इमाम हुसैन नहीं मिले नाल खलूस दे जिक्र पाक की बड़ी शिरकत। मेरे बिरादरी अजीज सैयद महमूद हसन शाह साहब का उन्होंने दोस्तों का उन्होंने मोमिनीन का उन्होंने बेटिया का अकीदत के नाल इस इश्क की नमाज का इहतमाम इंसिराम और बारगाह मासूमीन अलैहिस सलाम तमाम ज़ाकिरीन वाइज़ अपने अपने इल्म और इदराक के मुताबिक उस घर की बात जिस घर में अल्लाह के तारे उतरते हैं उस बूए की बात जिस बूए के सामने आके कायनात के रसूल रुक वेंदे है ते जिब्रील जय अलैहिस सलाम फरिश्ते आके झुक वेंदे है। मालिक के कबूल फरमावे। सैयद कादम हुसैन रिजवी साहब इंग्लैंड यूके मालिक उन्होंने वालदैन के दर्जात दर्जात की बुलंदी की दुआ मंगनी है लाला जी, मगफरत की दुआ नहीं मंगनी। मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा हमारी विलायत का इकरार भी करे और बख्शिश के एतबार से शक में रहे उसने हम पर अदम एतमाद किया है। बैठे हो कटुर गए हो पिछले हो या गाँव में तुम कुछ नहीं आता अगे आ जाओ या अगे आ जाओ तो या पीछे पीछे हो जाओ या सला गया बच्चे मौला दिल की करे मैं माहौल बना दे मैं तुम तो फिर तुम तो पढ़ लवे जी तो फिर अगे जनाब उन्होंने वालदैन के मालिक दर्जात बुलंद फरमाए। सैयद यूसुफ शाह साहब की अहलिया मालिक उन्होंने से तो सलामती अता फरमाए। वो मेरे भाई जान सैयद महमूद हसन शाह साहब मेरे छोटे भाई उन्होंने पोतियां नवासियां बच्चिया बेटिया हजरत इमाम हुसैन सलाम के पाक बच्चिया का सदका से तो सलाम शाह जी थोड़े वास्ते मैं दुआ मंगन लगा ये जिक्र पाक अल्लाह थोड़िया नस्लों च मुंतकिल थोड़े पुत्र मादमी अदादार अमीर उल मोमिनीन सरकार दे मवाली मालिक उन्होंने से तो सलाम की ता फरमा दे ये जे तुम आए बैठे हो मालिक थोड़िया दुआई कबूल फरमा दे अल्लाह तुम्हें उची सलवात पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आओ जी आओ जी अल्लाह साडे उस इमाम दे ज़हूरी ताजी उजलत जल्दी फरमावे जिंदे सदके च कायनात दीयां नबलां चल रही अल्लाह सानू भी इस काबिल बनावे जो असी इस मत्थे दे मत्थे लग सकीए
जिस मथे नूं अल्लाह ने अपना मथा। लो भाई जान तुसीं आ गए हो, गल्लां होई नहीं जिहड़ियां मैं मजलिस अगे पढ़ छड़ी, पढ़ी है ਉਹ ਮੈਂ ਐਤ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿਸਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਮਨ ਜ਼ਲਜ਼ੀ ਯੁਕਰਿਜ਼ੁ ਅੱਲਾਹ ਕਰਜ਼ਨ ਹਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਖਲੂਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਜ਼ਲਜ਼ੀ, ਸਈਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਜਾਪਦੇ ਨੋ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁਤਲੀ ਕੋਈ ਮਖਲੂਕ ਆ ਗਈ। ਸੁਭਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਮਾਲ ਜੀ। ਮਨ ਜ਼ਲਜ਼ੀ की माना है कोई इस अल्लाह की है कोई का इतराक पूरी कायनात के इंसानों पे होता है। आखो सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे मन जल्लाजी यानी है कोई युकरिज़ुल्लाह जो अपने अल्लाह को कर्ज दे। मेरे अल्लाह कर्जे थे आगे तुझे झुकने वाला मोहम्मद जैसा नबी है जो इरादा करे तो जैसा पहाड़ सोना बन जाए तू कर्जे मांग रहा। तेरी इबादत करने वाला अली है तुझे बतूल झुकती है, तुझे हसनैन झुकते हैं, जिन्हें कायनात झुकती है वो तुझे अल्लाह को झुकते हैं, तू कर्जा मांग रहा है। लम यलिद है वलम युलद है सिना तुम वला नौम की मंजिल का हमल है, न सौरे न टबरी न साले न बच्चे न दुकान दी लोड न मकान दी लोड। जेड़ा मकान दो नबियों नु मिस्त्री बना के बनवाई वो अली नु देख के ला मकान हो गया, खुदा इस कदर मेहरबान हो गया, अली पर खुदा का गुमा हो गया, इनायत की भाइयों की हद हो गई, मकान दे के खुद ला मकान हो गया। नारे मेरे अल्लाह तेरी कोई एहतियाज नहीं, तू बेनियाज है। मेरे अल्लाह तू कर्ज कैसा मांग रहा है, जल्दी कसीदे की मंजिल तक पहुंचा। खुदा दी कसम इस आयत नू लेके एक मुसलमान बल्कि मौलवी साहब इलामा साहब तुहाडी मौजूदगी च ध्यान चो खमन दियो, मेरे छठे इमाम दे दौरे च एक मुसलमान कुराने सामत दी इस आयत सुगरा नू लेके कुराने नातक दी आयत कुबरा को लाए कुरान दे वारस कोल, मेरे छठे इमाम को लाए उस आयत पड़ी मन जल्लाजी युकरिज़ुल्लाह कर्ज़ ना। अल्लाह फरमा रहे है जो मेरी मखलूक जरा मैं अल्लाह कर्ज दे। मौला फरमाया तो बात दे ना अल्लाह जो कर्ज पे मंग दे मकरूज महमूद शाह हो जाए तो बंदे की टोर बनी जिसका अल्लाह मकरूज हो जाए। जो मकरूज होता है वो तो ममनून भी होता है, जो ममनून होता है वो तो मशहूर भी होता है। मौला फरमाया अल्लाह कर्ज दे रोज अल्लाह को मंगना ही चाहता तो सदका ते अल्लाह रोज दें दी ते जे अज पाड़ी लिए अल्लाह कर्ज मांग रहे तो दे हाथ बन के दे रसूल अल्लाह मैं कर्ज तो देव लख वारी देव मैं तुम कुरान दे वारस तुहाडे कोल पुछना चाहना अल्लाह जो कर्ज मांग रहा है वो कर्ज है क्या। इस मिंबर ते तकद्दस की कसमें मेरे सादिक इमाम फरमाए जाओ मेरे दादा हुसैन की मजलस करवाओ अल्लाह तुम्हारा मकरूज हो जाएगा। लाले मूसे दे चाओ कुछ पितल दी टूटी ते नलका लवा के अल्लाह नू मकरूज करन दे शौक रखण वाले मुसलमाना अल्लाह टूटियां नाल मकरूज नहीं होंदा, अल्लाह मकरूज होता है एहतमामे मजलसे हुसैन। कदी भी अजादारी इस सैयद शहदा को हल्का ना लेना, ये वो अमल है जो अल्लाह को मकरूज बना देता है। शाह साहब मैं कसीदा कल ही लिखे कल ही है लिखे मैं कि पाका आप लिखवाए जो कल दिन सी सैन उमल बनीन दे हवाले सरकार दे नाल वो भी फातिमा है आए हाय। ये जो हुसैन की माँ फातिमा है ना ये तमन्नाए रसूल है, जो गाजी की माँ है वो तमन्नाए बतूल है। बैठे हो कटूर गए नारा कह लवाना बंदा मैं नाज रखी हो कोई नहीं नारा है दरी जी जी जी। पांच हिजरी तो लैके चौंठ हिजरी तक बीबी की जारी जिंदगी मैं की जुमला पढ़ा सैन उमल बनीन दी शान च मेरे कुल जुमले ही कोई नहीं, लेकिन एक जुमला अलामा साहब तुसी मेरे छोटे वीरा दी जाति ये वो मस्तूर है। ये औरत नहीं आख्या क्योंकि मैं औरत दे माने दा पता है मस्तूर, मस्तूर वो जो हमेशा सतर में हो, औरत कभी कभी मैदान में भी आ जाती है।
ਕਿ ਉਹ ਮਸਤੂਰ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਸਾਂ, ਬੀਬੀ ਵੋ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਕੀ ਮਾਂ ਹੋਣੇ ਕਾ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਕੀਆ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਯੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਹੈ। ਯੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਂ ਵਾਹਿਦ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਹੈ, ਮਾਂ ਵੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਕਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਯਾਰ ਬੱਚੋ। ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ, ਬਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਵਾਇਜ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਹਾਜਤ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਾਜਾਤ, ਹਾਜਾਤ ਦੀ ਫਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਵਾਇਜ। ਵੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਹਾਂ ਸੇ ਹਾਜਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਉਹ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਦਾਤ ਬਾਬਾ ਇਤਨੀ ਲਈ ਤਰੋੜੇ ਭਰੇ ਪੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਚਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਦਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਨੀਓ ਮਫਾਹੀਮ ਬਾਬਲ ਹਵਾਇਜ। ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਤਫ ਲੈਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਹਾਂ ਸੇ ਹਾਜਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ, ਕਿਸ ਕੀ ਹਾਜਤੇ? ਦੋ ਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਲਾਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਲ ਹਵਾਇਜ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਰਜ਼ਾ ਹੋਰੀ ਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਨ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਮਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ, ਬੋਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਮਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਇਸ਼ਕ ਬਾਬਲ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਬਾਬਲ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਹਾਂ ਸੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਹਾਜਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦੇ ਫਕੀਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੰਬੀਆ ਕੀ ਹਾਜਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਬਲ ਹਵਾਇਜ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਬਾਬਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਸੀਖ ਹੈ। ਮੋਮਿਨ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸੱਚੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਬੂਹੇ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਸੀਦਿਆਂ ਨੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਹਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, 14 ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਸੇ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੇਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ ਗਿਆ, ਬਾਦੀ ਤੁਸਾਂ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਤਵੇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾ ਅਲੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਾਲੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਯਾ ਅਲੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦੇ ਹੀ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਬ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦੇਖ ਨਾ ਲੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਆਖ, ਅੱਲਾ ਵਾਕ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅਕਦਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਤ ਲਿਖੀ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ? ਸਖੀ ਅੱਬਾਸ ਕੀ ਅੰਮਾ ਤੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7:00 ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 7:05, ਨਾਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? 7:30।
रुतबा निराला है, सखी अहबास की अम्मा तेरा रुतबा। मजलस इमाम हुसैन दी महमूद शाह दे घरों लंगर इंजी ना ते लंगर किदा बोलो तो गौस पाक दबा से मजलस इमाम हुसैन दी घर महमूद शाह दा लंगर इमाम हुसैन दा एडा वड्डा लंगर वेख्या जे नजफ तो लैके करबला तक लंगर ही लंगर रसूल दा पुत्र लंगर दे रहा बीबी पाक पर अम्मा तेरा रुतबा निराला हैदरी आप लंगा ध्यान नाल पाओ कितने की नारा हैदरी अम्मा तेरा रुतबा निराला है सखी। कितनी दुनिया कितनी मखलूक इमाम हुसैन दे नाम ते लंगर खा रही है। लंगर इमाम हुसैन दा दुनिया पे पड़दी है ना। अली दा पुत्र लंगर दे के लोगों नू पाल रहे हां सखी अहबास की अम्मा तेरा रुतबा निराला तो जेड़ा इमाम हुसैन दुनिया नू लंगर दे रहे वो दे खाने अब्बास की मां पका के रख दे रही जहां को पालने वालों को तूने मौसम भी ठंडा जिया ते जाकर भी ठंडा जिया ते मजमे दी ते कबात ही क्या है बीबी पाक ते मुतलक शाह जी शेर सुनना है हाँ तेरी ताकीर मुझसे हो नहीं सकती बया बीबी कहा बीबी वफादारी के मल सब को फकत तूने संभाला है। शेर चंगा है इतना मजमा उतनी दाद वफादारी के मल सब को तूने संभाला है। अच्छा एक में लफ्ज आना तो तुसा दसना भी वो हस्ती कौन है वफादा कुरान मौला अब्बास देर चाहे ना हूं बीबी पाक दी बारगाह च मर्द की थी हां अली से ले के मादी तक सारे ममनून है सारे आखो सुभान अल्लाह। अगला मिसरा जरा सुनना है हाँ अली से के मादी तक तेरे ममनून है सारे यासर बेटा अली से के मादी तक मिसरा पढ़िए भाई तेरे ममनून है सारे तेरी आगोश में पलते तेरे
ज्ञान के पारे के सुन सुनाइए ते की सुनाइए शेर मुकम्मल करना चाहना हां तेरे ही नूर से बीबी वफा है दरिया तेरे ही नूर से बीबी वफाओं में महमूद शाह जी बीबी पाक की बारगाह अख्तर से सर झुका के अखी बंद करके जड़ी अगली बात की नजर कर रहा हां तेरे अब्बास बेटे ने वफा किसनू गल्ला सुनाइए तुसी ध्यान दो तो गल्ला करिए हां तेरे अब्बास बेटे ने बापाओं का खुदा बन कर गुजारा वक्त यूं ऐसे जमीर शाह जी महमूद शाह जी इम्तियाज शाह जी भाई जी सारे मेरे भाई बैठे हो शेर सारी कमाल है लेकिन इस शेर बिच मौला ने एक आखिरी बात करवाई त्रै मिसरे ने शेर मुकम्मल हो रहा है हर मिसरे बिच लफ से बच्चों आया है बच्चों ओ बच्चिया की लफ्ज आए बच्चों बीबी पाक की बारगाह चर्ज की हां तेरे बच्चों ने साबित कर दिया है के वफा क्या है हूं कम हो गया होर असी होर दौड़ देता कर ऐसे हां तेरे मूशा जी तवजो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लेकिन एक सतर बाकी काफी वाली रह गई यहां तेरे बच्चों ने साबित कर दिया है के वफा क्या है जनाबे सैयदा के पाक जनाबे सैयदा के रूप को बीबी तेरे बच्चों ने पाला है हाय हाय करबला ज
जेड़ी नजम मैं करबला च बह के लिखी वह पढ़ी है, है कुदरील। हर साल मैं करबला जाना जी, करबला जाके मैं करदा की हूं इमाम हुसैन की जन्नत अर्जी की जियारत करना। जेड़ा बंदा इमाम हुसैन के हरम च बह के जन्नत मंगे वह हरम च गए ही कोई नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन के हरम च जन्नत की खैश ही कोई नहीं रही। मैनू याद आ रहा महमूद शाह जी, कौन पढ़ता पिया, जहाँ पे अकल को मजबूरो तंग देखा है, वहाँ पे इश्क को मसरूफ जंग देखा है, जहाँ पहुँच ना सके मुफ्ती आने दीन अख्तर, वहाँ पे हमने अली का मलंग देखा। मलंग न तो कुंज लवी है, 85-86 दिशा जी, 5-6 में शेर और पढ़ के तो मैं बच्चे वक्त देव। बह जाओ भाई, बह जाओ जल्दी जल्दी बह जाओ। शहीद मोहसिन नकवी साहब, किला स्तार शाह, ऊपर पढ़ते सन बाद मेरा टाइम सी, मेरी जाखरी की इब्तदा आई, कुछ 4-5 साल हो गए मैं पढ़ते हैं। उन्होंने एक ना रुबाई पढ़ी, जब उन्हें पहला मिसरा पढ़िया तो मैं परेशान हूँ भी शाह और की करूँ की। उन्हें पता पहला मिसरा की पढ़िया सी, उन्हें पढ़िया सी कि जन्नत से भी हसीन है बस्ती हुसैन की। इस मिसरे ने ना महमूद शाह जी मैनू अलामा साहब मुतहैर किया, हैरान किया भी जन्नत दियाँ बड़िया खूबसूरतियाँ बयान की गई ने, खसूसन उलामाए किराम ने पाकिस्तान ने जन्नत बड़ी सोहनी बना के दसी, कुछ वजीरस्तान के मौलवियाँ जन्नत एड्डी सोहनी बना के दसी जातकों बंब धमाके ला दिता, लेकिन वह हूरा गिलमान तैर पता नहीं की दसिया। मैं कि भी अल्लाह तो आता जन्नत बड़ी सोहनी, मौलवी भी आदि जन्नत सोहनी, लेकिन शाहरी पै दिन जन्नत न करबला की वादी सोहनी, यदि कोई वजह भी तो बयान। शाह जी जो ना वजह बयान की, मैंने ठंड पै गई, पै तुम भी जान गई। उन्हें लिखा कि जन्नत से भी हसीन है बस्ती हुसैन की। मैं कह जी क्यों, उसके सोई है इसकी गोद में हस्ती हुसैन की। आखो सुभान अल्लाह, नारा हैदरी। है बच्चा चादर छंडे तेरे मजलिस लग जाएगी, नारा हैदरी। जन्नत से भी हसीन है बस्ती हुसैन की, सोई है इसकी गोद में। अब बच्चे मोबाइल छोड़ो, सोई है इसकी गोद में। आगे लिख दे मोहसिन, अजीम इतना है ये कायनात में, छाई है किरदगार पे मस्ती हुसैन। लो जनाब सैयद महमूद शाह जी मौला इमाम हुसैन के हरम के कोल बैठे हैं, नाल मेरे दायरीन भी। उन्हें कहा बाबा जी कुछ लिखे जे, मैं आखिया जी मैं कुछ मंगन लगा। मंगो जी, की मंगना जे? मैं शाह जी करबला विच बह के फिर करबला मंगया है, इज नहीं मिसर आसानी बाद मैं तशरीह करनी पवेगी। इम्तियाज शाह जी मैं पहले दस देना, बंदा लंगर पे करता वे 5 रोटियां हो खानी, उसने 2 उन्हें 5 रोटियां की मौजूदगी आखे मैं रोटी और दो। बंदे हैरान हो गए, मेजबान परेशान, रोटियां 5 पई होर मंगता है भी रोटी लियाओ रोटी लियाओ, यह मतलब रोटी नहीं मंगता, रोटी में कोई इनकलाब मंगता है, सुकी है तो सीधी मंगता है, सीधी है तो सुकी मंगता है। मैं करबला विच बह के करबला मंगिया, पता कैसे? करबला 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 चाहिए, बोलना नहीं मत मजलस लग जाए। करबला 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 चाहिए, करबला करबला पता नहीं जाएगा चाहिए, करबला 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 चाहिए। कैसी करबला? करबला विच करबला करबला चाहिए। क्यों? जिंदा रखा है करबला ने हमें, वरना हम लोग मर गए होते करबला। करबला करबला चाहिए, करबला 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 चाहिए। ध्यान है तोड़ा करबला, थोड़ा मिसरा करबला करबला चाहिए। फर्श पे हमको रेशे उला चाहिए, करबला साबरी भी जा बना लगा जी। सुभान अल्लाह, करबला करबला चाहिए, करबला
करबला हाँ फिर आखो करबला चाहिए फर्श पे हमको ऐशे होला चाहिए करबला 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 चाहिए इमाम हुसैन दे हरम च बह के चंगा लल करके मैं गल की है क्या इसके मदीने में जन्नत गवारा नहीं गल्ला चार मिसरियां ते शेर मुकम्मल हो रहे मैं की अर्ज कीते हां इसके मदीने में जन्नत गवारा नहीं इसके बिल कोई मक्के सद हमारा नहीं हमसे पूछो जरा और क्या चाहिए हमसे पूछो जरा ओए होए और क्या बाबूजी जी मिश्रा सुन से पूछो जरा हाँ? और क्या चाहिए सैयदा तुलसा की रदा चाहिए करबला ए आली आए हाय आए हाय इम्तियाज क्या दुआ करी मैं सारे शेर खर चंगा बल मैं खड़का के रख ले करबला विच बह के करबला के इमाम हुसैन के हरम के बदले में हमें जन्नत नहीं चाहिए जन्नत च बह के बंदा जन्नत मंगे अजीब बंदले इमाम हुसैन के हरम च बह के जन्नत नहीं मंगी क्यों ओदी वजह क्या है हां इस जगह पे तो मौजूद शबीर है जागो है जागो इमाम हुसैन के हरम के बदले जन्नत नहीं मंगी हरम ही मंगिया क्यों सबब है हम तो आले नबी हाँ के मिला चाहिए इस तरह हमको कुर्बे खुदा चाहिए करबला एक सवाल है मिल्लत शिया ते शाह जी अक्सर लोग सानू आते हैं जेड़े ये शीए ने ना ये अल्लाह को नहीं मंगते ये पवित्र पाक को मंगते ना एक दिन मेरे ते भी एक इंसान नु मामूला ने सवाल किया शाह साहब तुसी अल्लाह को नहीं मंगते मैं आख जी एक दिन मंगया सी अल्लाह को एक दिन ही मंगया है मामूद शाह जी सर चाहो मैं आख जी अल्लाह को एक दिन मंगया कि की मंगया मैं आख मुहम्मद जैसा नबी मांगा है अली जैसा इमाम मांगा है हसनैन जैसे सरदार मांगे हैं बतूल जैसी सैन मांगी है वो मैं क्या बागवाना अल्लाह को नबी मांग लिया मुस्तफा जैसा अली जैसा इमाम हसनैन जैसे जवान आने जन्नत दे सरदार ते बीबी जैसी सहन मांग ली हूँ अगो अमरूद भी उन्होंने को मंगी है के जो तो अल्लाह को ये हस्तियां मंग लिया फिर जो कुछ मंगे वो पैंतन पा मैं कह लो जी मंग लेने इमाम हुसैन दे हरम च बह के इमाम उसिया जी ए किबला इमाम हुसैन दे हरम च बह के अल्लाह को भी मंगे ते की मंगे हाँ ए खुदा तुझसे कुछ नहीं चाहते कुछ नहीं हमको शबीर की खाके पा चाहिए हमें दुख लगेगा जे रसमिश्र इतना बोलिया खाके पा चाहिए समझो हमको अलामत मीर साहब खाके पा चाहिए हमको शबीर की हाँ? खाके पा चाहिए कफन में को खाके शिफा चाहिए करबला ओ हो क्या बात माल करवाई मजलस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी असी उस वेले दे जाकर जदों जलसियां दा रवाज नहीं सी
مجلس یقین ہے تے جلسہ شک ہے۔ علامہ صاحب مجلس یقین جلسہ کدی بھی مجلس کروا کے نہ کہ میں جلسہ کروایا۔ بندے پوچھن گے جلسہ کروائی پتہ نہیں دانداں دا سی گھوڑیاں دا سی کہ بکریاں دا سی۔ جلسہ مضموم بھی ہو سکتا ہے، مجلس ممدوع ہوتی، جب مجلس ہوگی تو رسول کے بیٹے حسین کیا۔ توجہ کرے، میں بہت بڑی بات سے سید ادا کرنے لگا، میرے پاس دیکھنا ہے۔ مجلس امام، بولو مجلس امام حسین دی تے ممبر پاک رسول دا۔ اے شیر تے میں داد نہیں لینی، دعا لینی۔ مجلس امام ممبر ہے، سٹیج نہیں، ممبر ممدوع ہے، سٹیج مضموم بھی ہو سکتا ہے۔ مجلس امام حسین علیہ السلام دی ممبر پاک نبی دا تے علم، شاباش او میرے سیانے بھائیو، علم۔ پھر میں جب لکھ سکا، مجلس امام حسین علیہ السلام دی ممبر پاک نبی سرکار دا تے علم حضرت عباس دا۔ حضرت امام حسین دی بارگاہ بیچے مولا کو کی منگیا ہاں؟ مولا شبیر تیرا کرم چاہیے، مولا شبیر تیرا کرم چاہیے، چھت پہ عباس کا بس علم۔ کدو بولو گے سید؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، حضرت امام حسین دی بارگاہ چ بہ کے کی منگیا ہاں؟ مولا شبیر تیرا کرم چاہیے، چھت پہ عباس کا بس علم چاہیے، تیرے در سے ہمیں اور کیا چاہیے۔ وہ بھی شاہ جی میں کی عرض کر رہا ہوں، آئے ہائے اور کیا چاہیے، تیرے در سے ہمیں ہاں اور کیا چاہیے، ہم کو کرب و بلا کی بنا چاہیے، کربلا۔ سبحان اللہ، ہوگی نوکری، میں زیادہ پڑ گیا، معاف کرنا علامہ صاحب، لیکن شیر مجھے تو قافلے دے سارے زائرین بیٹھے سن مولا دے حرم وچ، اس منزل تے میں اپنے ہاں، میں زائرین نو رضا شاہ جی آکھیا کہ ہن انفرادی طور تے خاموش ہو کے دلو دلو امام حسین کو جو کچھ منگنا جی مانگ لو، آئے جی منگتے بن کے منگ لاؤ انفرادی طور تے۔ میں بھی منگنا جو کچھ مولا حسین کو میں منگنا ہے نا، میں اچھی آواز نال منگا گا، اگر جو کچھ میں منگیا تو انہوں پسند ہویا نا، تسی بھی شامل ہو جائے۔ انہیں کہا شاہ جی منگو، امام حسین دے حرم وچ بہ کے مولا حسین کول کی منگیا ہاں؟ ملتجی تیرے در پہ یہ سجاد ہے، ملتجی التجا کرن والا منگن والا ہاں، ملتجی غم سے آباد ہے، تیرے بابا کی مجھ کو ولا چاہیے، تیرے بابا دکھ لگے گیا میں جبرا پڑھا ہوں قرآن دی آیتا وقت نعمت اللہ علیکم کے ساتھ اللہ علیہ وسلم کا کم بہی یار فورا نعمت اللہ سبا یوں نمال اللہ فرمارے نعمت کا ذکر کرو، نعمت کا منکر کافر، نعمت کا سوال کیا جائے گا۔ حضرت جابر نے پنجم امام کو پوچھا نعمت کی ہے، فرمایا میرا دادا علی بس یہی نعمت کبریا حسین غریب۔ ہاں جنگ نہیں آیا ادھر یہ نام، ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے ابھی حسین۔
लाले मूसा च मैं मजलूम दा नाम चाहे तुहाडी हाय निकल गई अखी वस पईआं ते जे बंदा होवे अकबर दे तस्से बाबे दी नगरी च हुसैन दा गम मुकदा नहीं ते अखी सुकदियां नहीं ए अखी बनी आई हुसैन दे गम च जिन्ना अखी विच हुसैन दे गम दे आंसू आवन सैयदा दा ओ अखी हया वाली ए साडे मेरे मुशाहदे दी बात है। किसे अजीज दी शादी होवे किसे दोस्त दी शादी होवे शादियां ते वहने आ लेकिन दियां बहनां नूं नाल लैके गैरत दा तकादा बैठ जाओ बेटा जगह पे जल्दी जल्दी बैठ जाओ बहुत जल्दी बैठ जाओ मैं एक दर्द पेश करन लगा। शादी किसे अजीज दी होवे दियां बहनां नूं नाल नहीं लैके जांदे जदा गरीब दी मजलस होवे अगले दिन मजलस होवे शाम नूं धीआं ते बहनां नूं इकट्ठा करके दे मजलस च जरूर जावे उस गरीब दी मजलस च वंजिया जिसकी गरीब दी मैयत ते सखियां बहनां ना रो सकी ए जिहड़ा सी रोंदियां ए हुसैन दी तस्सी भेण दी हसरत है जिसनू नौ भिरावां दियां लाशां ते किसे अमिताभ शाह जी रोण नहीं दिता ए अली दी धी दी हसरत आई इमाम हुसैन दे हरम च बह के मैं वैन लिखिया हाँ की हो ना सकी रोण आली भर के रो ना सकी उस मुअज्जे माँ से हम को दुआ चाहिए बंदा रोमना में तो रोमे नहीं माँ से हम को दुआ चाहिए उस मुअज्जे केड़ी बीबी हाँ को दुआ चाहिए जो ये कहती रही एक रिदा चाहिए बीबी आदिए बंदशाह जी पढ़न लगा ए हनुमान दी इबादत दे इजाफे वास्ते थकी होई शाम दे सफरां दी हाय तौहीद तबा शहजादी थे ये दाखिल अपनी मकतल विच सुन के अपनी मकतल विच सुन के आला जदा कुल पोशाक गुलाबी थी गई आखे नप के साग फिरा दी रोके आ दिए हुण खोल खिया नाले डेक खिताबत बाजार च आउण बेटा।